न्यूज जंक्शन की तरफ से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज बकरीद का त्यौहार है, पूरे देश में इस पर्व को लोग धूमधाम से मना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन। न्यूज जंक्शन की तरफ से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज बकरीद का त्यौहार है, पूरे देश में इस पर्व को लोग धूमधाम से मना रहे हैं। आपको बता दें, ये त्यौहार 2 सालों से, इस त्यौहार का जो नमाज है, लोग इसे अपने घरों पर रहकर अदा कर रहे हैं। कारण एक है, कोरोना वैश्विक महामारी से देश परेशान है। ऐसे में सरकार के जो गाइडलाइंस है, इसे लोग मान रहे हैं और पहले की तरह, यानी तरीके से लोग इस पर्व को मनाते थे, उस तरीके से इस बार इस पर्व को नहीं मना रहे हैं। पर्व फीका दिखाई पड़ रहा है, लोग अपने घरों पे ही जो है ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम मधेपुरा के झिटकिया गाँव में हैं, मुसलमानों की बड़ी आबादी है यहाँ पर। जहाँ हम खड़े, ये पीछे देखिए कि ईदगाह है, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, ये ईद उज़ुहा की नमाज़ अदा करते थे। लेकिन हालात ऐसे हैं, सरकार के जो गाइडलाइंस है, लोग उसे मान रहे हैं और अपने अपने घरों पे ईद उल अज़हा की जो नमाज़ है उसे अदा कर रहे हैं। आपको पता है कि देश वैश्विक महामारी से परेशान है, हालांकि थोड़ी सी छूट मिली है, लेकिन इसे और भी बेहतर कैसे किया जाए, इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इस पर्व को घर पर ही रह के मना रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार मुसलमानों का अहम त्यौहार होता है। इस मौके पर जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती है, दुम्बे की कुर्बानियाँ दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी जो है फीका असर दिखाई पड़ रहा है। हम अंदर चलेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे कि 2 साल से ये जो त्यौहार है, लोग इसे अपने घरों पे मना रहे हैं, आखिर इस त्यौहार को कैसे देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं काफ़ी खुश होते थे, ईदगाह जाते थे, नए नए कपड़े पहनते थे, इत्र लगाते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर्व को काफ़ी याद कर रहे हैं, इस पर्व को काफ़ी मिस कर रहे हैं। वो उन्हें क्या पता कि ये कोई देश में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, सरकार का जो गाइडलाइंस है, जो जिला पदाधिकारी मधेपुरा ने जो आदेश जारी किया है, इसे मानना है और सभी लोगों को इसी तरीके से चलना है। तो कहीं ना कहीं जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, मुसलमानों की बड़ी आबादी थी है यहां पे जो लोग हैं यहां पे आते थे ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन सुबह के 6:30 बजे हैं, लेकिन जो है लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो गाइडलाइंस है, लोग इसे मान रहे हैं, इसे फॉलो कर रहे हैं, और ईदगाह का जो परिसर है वो काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ है। नहीं तो आज जो है, यानी कि 3 साल पहले इसी जगह काफ़ी गुलजार हुआ करता था। तो हालात ऐसे हैं कि जो है लोग इस बार भी अपने अपने घरों पर जो है ईद उल अज़हा की जो नमाज़ है वो अदा कर रहे हैं। पहले तो हम आप तमाम देशवासियों को ईद के मौके से मुबारकबाद देना चाहते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी कमेटी की तरफ से। हम सरकार के, हुकूमत के आदेश का पालन करते हुए चंद आदमी मिलकर के ही नमाज अदा किए, जिनमें एक इमाम, एक मुअज्जिन और दूसरे एक सेक्रेटरी साहब, चंद ही लोग मिलकर के डिस्टेंस का जो है पालन करते हुए नमाज अदा किया। क्या लगता था, काफी लोग आए होंगे नमाज पढ़ने के लिए? क्या लोग तो काफी आए थे और काफी पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको मना कर दिया कि भाई हमें सरकार का आदेश का पालन करना है, हमने मना किया, वो लोग मान गए। 2 साल से लोग घरों में ईद उल अज़हा और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, जब से ये कोरोना काल का जो ये सिलसिला जारी हुआ, तब से जब सरकार ने ये आदेश जारी किया, तो लोग अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ते रहे 2 साल।